गुड इवनिंग भाइयों और बहनों, कहाँ पर हैं इस वक्त? आसाम के करीमगंज, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर है, या आप कैपिटल डिस्ट्रिक्ट कैपिटल सिटी भी आप कह सकते हो। कहाँ पर आया हुआ था, या कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ था? नहीं, हमारे को बाज़ार ख़रीदना था, कोई पुराना मार्केट संतर बाज़ार कहा जाता है, जो कि आपको हम दिखाने की प्रयास करते हैं। चलिए अपने साथ, और ट्रैफिक पर गाड़ियों का बीचों बीच से गुजरता हुआ मैं। खैर, ये रहा आपका करीमगंज सिटी का एक पार्ट, ये कोई एक हिस्सा है छोटा सा, हालांकि अपना टाउन जो है काफ़ी बड़ा सा है। तो आपको हम कहाँ लिए चलेंगे? आपको हम लिए चलेंगे संतर बाज़ार, जो कि काफ़ी पुराना है, काफ़ी एंटीक चीज़ें, या आप कह लो जो भी साजो सामान, जो भी सब्जी वगैरह, मछली वगैरह, सूखा मछली वगैरह, ये सारी चीज़ों को यहाँ आपको मिल जाया करेगी। खैर, चलो भाई मेरे साथ, हम आपको दिखाने की कोशिश या प्रयास करते हैं कि भाई अपना संतर बाज़ार जो है हिस्टोरिकल बाज़ार है, पुराना ज़माने की बाज़ार है, जो कि किस तरह का हालत है, किस तरह की कंडीशनों में है। खैर, ये घुसते हुए, हालांकि मेन फ्रंट गेट से मैं घुसा नहीं, काफ़ी पुराना बाज़ारों में से शुमार है ये जो बाज़ार है। तो चलो भाई, यहाँ जो भी चीज़ें मिल जाती है, पूजा की सामग्रियाँ आते ही शुरू होती ही मिल जा रहा है आपको। सीओड़ा, ये सारे चावल वगैरह, ये देख सकते हो पूजा का जो भी इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं मिल जाती हैं। खैर, चलो हमारे साथ, हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। ये लीजिए, मुर्गी वगैरह मिल जाएगा करेगी ना, हमें इतना मांस नहीं था, मांस नहीं था, हमें ऐसी वीडियो बनानी थी। मछली बाज़ार यार बंद है, हमने ओके दिखाने की कोशिश करना था, हमारे से वो चीज़ें नहीं हो पा। आपको मांस और दुकान बंद हो? नहीं, मांस वाले इतना नहीं बिका ले तरीका, मांस वैटा तो मांस और लसा इतना नहीं। मीट का दुकान जो है, सारी दुकानें जो है बंद है इस वक्त। अब ये क्या चीज़ है, नहीं नहीं पता। चलो अब गमली चलते हैं, मछली था। हालांकि ऊपर में जो है, ये सारी दुकानें जो है मीट का हो सकता है, मछली का हो सकता है। चलो, बाहू मछली, और ये माता नहीं रे, माता बाहू माता। चलो, तो आप देखते रहे ना भाई, ये देखिए जैसे नाम माता, तो भैया माता बाहुर माता। चलो, मतलब मज बाहू मज और बाहुर माता, वक्त 250 बाहुर माता छोटोटा। तो ये सब है परिस्थितियाँ जो है, मछलियाँ हालांकि बिगल दिखे लगे ना, नहीं मार्केट बिगल मार्केट लगे ना, नहीं तो लगे लगे रहो ना, नहीं अच्छा अच्छा शाम को लगेगी। इल्सा हिल्सा जो है, इलिश मछली जो है, हिल्सा मछली, अब देख लो हिल्सा मछली है। बाज़ार अभी स्टार्ट होने को है, सवेरे को लग जाती है, नहीं लगती है, हम लोग भी रहते हैं वैसे बाहर, इसलिए इस बारे में जानकारी कम ही है। ये सींग मछली वगैरह है, सींग मछली जो है होलसेल बाज़ार में, मार्केट में होलसेल बेचा जा रहा है। यहाँ भी कुछ मछलियाँ, धनिया पत्ता भी है, यहाँ भी कुछ मछलियाँ हैं, देखिए टेंगरा मछली है। यानी वे किधर से किधर को चल रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हो रहा है। चलो भाई, तो हाँ जी, मिल गया मेरे को, मिल गया जो चाहिए था। ये देखिए सूखा मछलियों का दुकान जो है लगा रखा है इन्होंने, सूखा मछली बढ़िया सा है। कोई सुटकी कुंडा इटा एक कालो पाला আছে বড় মাল আছে বড় মাল এটা কত কই যা এটা কিলো 600 টাকা ওইটা এটা কমাই রাখ 1 কিলো নিলে কমাই রাখ আচ্ছা দাদা আর এটা কত এটা 250 টাকা ওটা 350 টাকা দাদা একটু ভিডিও করে লাই আইরা হ্যাঁ ব্লগ বানাই রাও তো এই যে দেখো আপ লোক ये देखो नागपुटी यार ये नागपुटी ये सब सूखा मछलियों का मतलब बढ़िया है यार, अवेलेबल मिल जाती है चीज़ें जो है सूखा मछलियों का, जो कि लगा हुआ है। कतो हो रेक्टा
ये मुझे ठीक लगा। हाँ साइज के जी और एक कत तीन सौ टका ना दाड़ाओ तो देखी ये सूखा मछली जो है भाई साहब मिल गया मेरे को ये देख लीजिए सूखा मछली। अच्छा ये देखिए सूखा मछली ये मिला मेरे को। अब मैं देखता हूँ इसका कि कत हो रही दादा सही छोटे कम से कम कतो रखा दादा। अच्छा ठीक लग से माल्टा एनी वे हिलसा मछली इधर की हिलसा मछली इलिश कत हो रहा देखी तो भैया तो भाइयों हम क्या करते हैं अभी जो है मेरे को सूखा मछली लेना था। पहले क्या करते सूखा मछली लेते इस ब्लॉक का यही एंड कर देते।